जो ब्रिज के ऊपर चढ़कर एक बच्चा एक आदमी गिर गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नशे में था बोल के। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह उसको सलामत रखे। अभी एरिया पुलिस और इब्तदाई मेरे सदर मुतमदीन फ़ौरन यहां पर आके उसको उस्मानिया शिफ्ट करे है। उस्मानिया पे लिखा गया है सीरियस कंडीशन है और लोग का कहना है कि वो नशे में थे बोल के। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसको जल्द से जल्द शायद याब कर दे, क्योंकि सीरियस कंडीशन है और उनको ब्रिज पे चढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। उन्होंने नशे में रहने की वजह से ब्रिज पे चढ़े और चढ़ के ऊपर से डायरेक्ट नीचे कूदे न तो डैमेज हो गई हड्डी वड्डी और कुछ सर को और कुछ दिमाग पड़ा बोल के बोले गए। और मेरे साथ इब्तदाई सदर मुतमदीन फ़ौरन मेरे साथ आए और उनको शिफ्ट करे उस्मानिया को। मैं ख़ास तौर पर आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि उस आदमी के लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला उसको जल्द से जल्द शायद दे। अभी ब्रिज मुकम्मल है, उससे पहले ब्रिज पर चढ़ने कौन थे, क्या जीएचएमसी की लापरवाही है? नहीं नहीं, जीएचएमसी का काम चल रहा है कंटिन्यू नीचे ऊपर। नए कॉन्ट्रैक्टर ऑलरेडी रस्ती बने हुए वहाँ पर रोके रास्ता, मगर उन्होंने कैसा गए रस्ती के पार किस तरीके से गए नहीं मालूम, क्योंकि लोगों का कहना है कि उन्होंने नशे में थे बोल के। तो नशे की वजह से उन्होंने ऊपर से जाके नीचे उतर गए। डायरेक्ट उतरने की वजह से उतरना समझ के उन्होंने कूदे तो कुछ पैर को सर को ये मार पड़ा है। आप लोग भी दुआ कीजिए और दुआ की भी अपील कीजिए, क्योंकि कुछ छोटे छोटे बच्चे बोल के तेला मिली है उस्मानिया को शिफ्ट करे है। इंशाल्लाह ताला उस्मानिया को जाएंगे। नहीं नहीं मालूम हुई, कुछ इधर खरीब के ही एरिया में रहते बोल के मालूम हुआ। सब ब्रिज का काम जो है तकरीबन मुकम्मल हो गया, तो कब उसकी ओपनिंग? इंशाल्लाह एमपी साहब मिले सब डिसाइड करेंगे।